हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए ज़रा हम लोग शुरू करते हैं आज का ये अपना वीडियो। और इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी के लिए कि RRB ALB 2024 का किस जोन से भर सकते हैं आप फॉर्म, किस जोन से जाती है कम कट ऑफ, है ना। क्योंकि कट ऑफ भी देखना ज़रूरी है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। अब वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे कि इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस जोन में कैटेगरी वाइज जो है कहाँ कहाँ ज़्यादा वैकेंसी है और जहाँ जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज रहती है वहाँ पे बच्चे अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो आइए ज़रा हम लोग एक एक करके जो है बिना टाइम गंवाए हुए एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कशन कर लेते हैं और एक एक चीज़ों को जो है यहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। तो एक मैंने यहाँ पे डाटाबेस जो है तैयार किया है, इस डाटाबेस में जो है आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है ज़रा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे RRB UR। UR का मतलब क्या होता है, जर्नल होता है। यानी सबसे पहले हम लोग जर्नल कैटेगरी की बात करेंगे कि जर्नल कैटेगरी में जो फॉर्म अप्लाई होंगे या किस जोन में सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसीज है, ठीक है। अब जोन वाइज अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए भाई, कि हमारे पास जो होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए और किस जोन में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आई हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भुवनेश्वर। मैंने ऊपर से मतलब क्या किया है मैंने कि सबसे ज़्यादा जहाँ जो वैकेंसी है ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज किया है। यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो बिलासपुर में है, उसके बाद सिकंदराबाद है, उसके बाद मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, प्रयागराज, भोपाल, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इसी तरह से मैंने अरेंजमेंट किया है। और ये जो अरेंजमेंट है आप लोगों के लिए ये जर्नल वालों के लिए अरेंजमेंट है, ठीक है, कि ये जर्नल वालों के लिए कितनी कितनी कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो वैकेंसी आई है 5,996 जो वैकेंसीज आई हैं इसमें फॉर्म कितने डल सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो 40 से 50 लाख, 40 से 50 लाख तो भैया फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, ये तो गारंटीड है कि 40 से 50 फॉर्म जो है आप लोगों के भरे जाएंगे। अब इस 40 से 50 में क्या क्या होता है, 80% कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे और 20% जो स्टूडेंट होंगे। अभी हम बात करेंगे कि मैंने ये 80% और 20% वाली जो कहानी है मैंने क्या बोली है। यानी 80% ऐसे आपके पास स्टूडेंट होंगे जो कि इस फॉर्म को जो है बिल्कुल हल्के में ले रहे होंगे। मतलब क्या, वो सोच रहे हैं चलो भैया फॉर्म आया है भर देंगे, लेकिन उनकी तैयारी कहीं तक नहीं है। और ये 20% वो स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने भैया पिछले 4 साल से 5 साल से इस चीज़ के लिए क्या किया है, तैयारी किया है, इस चीज़ के लिए जो है वो प्रिपेयर है। पिछले 4-5 सालों से जो है देखते आ रहे हैं हम लोग कि ये बच्चे जो है इस चीज़ के लिए क्या है, प्रिपेयर किए हुए हैं, मतलब ये तैयार किए हुए हैं, तैयारी की है इन्होंने। और 80% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बस यही देख रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा, हमें कहाँ से भरना चाहिए, हम क्या करेंगे, बस यही करते करते आएगा और आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। तो ये 80% आप लोग भैया इस 80% में मत रहिए, इस 20% के चक्कर में रहिए कि आपको भैया तैयारी करनी है। क्या करनी है भैया, आपको तैयारी करनी है, आपको अपना जो भी तैयारी है उस तैयारी को पूरा करना है, उस तैयारी को आपको अच्छे लेवल पे करना है। तो चलिए हम लोग अब इस चर्चा के ऊपर बात करते हैं कि जो भी मैंने बोला कि 40 से 50 जो है भैया लाख फॉर्म तो भैया भर रहे जाने हैं, ये तो निश्चित है। अब ऊपर से जो 4-5 राज्य हैं, ऊपर से 4-5 राज्यों में भैया बच्चे जो है बिल्कुल भर भर के जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ज़्यादा वैकेंसीज रहती है वहाँ वहाँ बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये आपको भी पता है, नहीं पता तो अपने किसी भी यार दोस्त से पूछ लीजिएगा जिन्होंने ALP का एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है। रेलवे के एग्ज़ाम में अमूमन यही देखा जाता है कि जहाँ पर सीटें ज़्यादा होती हैं बच्चे वहीं ज़्यादा चले जाते हैं। अब बच्चे वहाँ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का कंपटीशन जो होगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। और जब वहाँ का कंपटीशन हाई होगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, वहाँ की जो कट ऑफ आएगी वो क्या होगी, जाहिर सी बात है वो ज़्यादा ही निकल के आएगी। तो सबसे पहले बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है इस बार ALP में, जर्नल के लिए 540 वैकेंसीज है। अब इन 540 में बहुत सारे बच्चे जो है बिहार यूपी इधर उधर के बच्चे भी क्या करेंगे, बिलासपुर जोन में भर देंगे कि बिलासपुर में वैकेंसी ज़्यादा है तो चलो वहीं अप्लाई कर देते हैं।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहाँ पे कट ऑफ, जहाँ पे वैकेंसी ज्यादा रहती है, स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं भैया, वो सोचते हैं कि मैं भी अप्लाई जो करूंगा यहीं से करूंगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर वो करना पड़ेगा कि अगर वहां पे कट ऑफ ज्यादा जा रही है तो आपको वहां के कट ऑफ को फेस करना पड़ेगा। मतलब क्या कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, जिस लेवल पे आपकी तैयारी है उस लेवल पे भरे। मेरा मानना है कि आप नीचे से छोड़ दीजिए और ऊपर से छोड़ दीजिए। ये जो मिडिल वाले होते हैं ना जोन, इन मिडिल वालों में जो है आपको अप्लाई करना है। और इस मिडिल वाले में कौन कौन से जोन में अप्लाई नहीं कीजिएगा मैं आपको बता दूं। इस अजमेर में तो भैया भूल के भी मत जाइएगा, क्योंकि अजमेर में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। पिछले 2018 का आप कट ऑफ उठा के देख लीजिएगा अजमेर जोन का। और यहाँ पे बात करेंगे तिरुवनंतपुरम का। ये दो ऐसे जोन है जहां पे कट ऑफ बहुत हाई जाता है, जहां पे कट ऑफ क्या जाता है, बहुत हाई जाता है। 2018 में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि 2018 में जो फाइनल कट ऑफ बना था वो ट्रेड वाइज बना था, मैकेनिकल का अलग, इलेक्ट्रिकल का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग। तो मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 61 कट ऑफ चला गया था, और तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वहां पे अप्रॉक्स 57 या ऐसे गया था। बात बाकी और जितने भी जोन थे उसमें जो कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी, बहुत कम गई थी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अजमेर और ये तिरुवनंतपुरम को छोड़ के बीच वाले जो भी आ रहे हैं आपके नज़दीक, जो भी होता है रांची, चेन्नई, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जो भी बनता है आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर से दिखा दिया कि ऊपर के जितने भी हैं उसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उस वैकेंसी में हैं, अगर आप बिलासपुर से हैं तो आप कहीं और से भर देंगे, नहीं भैया भरिए वहीं पर। लेकिन याद रखिएगा कंपटीशन जो होता है वहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जरा ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी वालों में सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, वहीं बिलासपुर में है। बिलासपुर से लेके मैं यहीं तक बात करता हूँ टॉप फोर के। बिलासपुर में भैया सिकंदराबाद में है, मुंबई में है और बेंगलोर में है। ये टॉप के ऐसे चार जोन है जहां पे ओबीसी के लिए भी वैकेंसी ज्यादा है। और सबसे कम जरा यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ से है, तो नीचे से अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे कम जो है वो गोरखपुर में है, जम्मू श्रीनगर में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है और तिरुवनंतपुरम में है। पटना में 10 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं, और ये बच गए जो बीच के मिडिल वाले। मिडिल वाले में अगर आप ओबीसी से हैं तो आप इन मिडिल वालों में से अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल वाले में जैसे कि हो गया भुवनेश्वर, कोलकाता, मालदा, भोपाल। देखो कोलकाता का भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई जाता है। प्रयागराज, रांची, चेन्नई, सिलीगुड़ी। अब देखो बच्चे जो है यहाँ कम जाएंगे, तो आप सिलीगुड़ी अप्लाई कर सकते हैं। मैं 4-5 बता देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सिलीगुड़ी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे जो है बहुत कम जाएंगे, कहाँ जाएंगे भैया, तो वो जाएंगे श्रीनगर में। कहाँ गया, गोरखपुर, जम्मू एंड श्रीनगर, यहाँ पे बच्चे जो है बहुत कम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, मैंने अभी बोला कि अजमेर और तिरुवनंतपुरम में कट ऑफ आई गया था 2018 में, तो बच्चे वहाँ पे भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो तीन जोन जो है मैंने आपको बता दिया, तीन जोन में आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप को। सिलीगुड़ी है ना, सिलीगुड़ी, उसके बाद श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, सिलीगुड़ी और एक जो है रांची, है ना, रांची। ये तीन ऐसे जोन है जहाँ पे आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने आप को वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जॉब वहीं पे करनी पड़ेगी। अगर आपने श्रीनगर सेलेक्ट किया है तो आपको ALP असिस्टेंट लोको पायलट जो है आपको श्रीनगर में जाके जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपने सिलीगुड़ी सेलेक्ट किया है तो आपको सिलीगुड़ी में जाना पड़ेगा। मतलब जिस जोन में आप सिलेक्ट कीजिएगा उस जोन में जाके आपको वहां पे जॉब करनी पड़ेगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मैंने ओबीसी का बता दिया। अब जरा हम लोग एससी का देख लेते हैं। एससी में सेम वही बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, भुवनेश्वर, और फिर आप यहां से देख लीजिएगा ये सब जोन में जो है आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या है, सेफ जोन है। ठीक है, सेफ जोन है। और नीचे के भी जो है ये जोन है ये भी थोड़ा सा क्या होते हैं, ये हाई जोन होते हैं। मतलब हाई जोन का मतलब क्या है कि जहाँ पे कम सीट होगी वहाँ बच्चे क्या करेंगे, नहीं भरेंगे। जहाँ ज़्यादा सीट होगी बच्चे भर भर के चले जाएंगे, और बीच वाले को भैया वैसे ही छोड़ देते हैं बच्चे कि चलो भैया अब हम नहीं भरेंगे इसमें। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि भैया मुझे किस जोन में जॉब करना है।
है ना। कट ऑफ कितना भी जाए, आप अगर तैयारी अच्छे लेवल से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप सिलेक्शन जरूर ले लेंगे। लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर मान लीजिए कि मैं रहने वाला बिहार का हूं, मैंने भर दिया भैया जम्मू श्रीनगर, ठीक है, उतना दूर भर दिया, अब मुझे जॉब करने उतना दूर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने भर दिया तो नहीं जाना है, जॉब करने उतना दूर जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप बिहार यूपी से है तो आपको दूर नहीं जाना है, पास ही रहिए। जाहिर सी बात है कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपको तैयारी भी उस लेवल पे करनी है कि आपको तैयारी अच्छे लेवल पे कीजिएगा तो कट ऑफ कितना भी जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैयारी अगर आपकी है तो बिल्कुल आप कोई सा भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग एसटी का भी बात करेंगे, सेम वैसा ही है एसटी का। ऊपर से मैंने देखा है, ऊपर से जो भी चीजें आप लोगों को दिख रही है एससी, आप यहां से ईडब्ल्यूएस का भी देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो हम लोगों को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है भैया, कहीं से घूम फिर के आ रहे, एक जोन दिख रहा है हमें बिलासपुर, है ना। दूसरा जो है हमें दिख रहा है भैया बेंगलोर, है ना। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है इन्हीं दोनों जोन में है, बिलासपुर में है और बेंगलोर में है। तो बिलासपुर भैया आप सोच समझ के बिलासपुर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बिलासपुर में जर्नल की भी वैकेंसी ज्यादा है, ओवरऑल वैकेंसी भी बिलासपुर में ज्यादा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आप बेहतर कर लीजिएगा। तो जो मैंने तीन जोन बताए हैं उन तीनों जोनों को आप एक बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसी में अप्लाई कीजिएगा। जो मैंने तीन जोन बताए हैं आपको, इन तीन जोन के जो जाते हैं वो बहुत ही कम जाते हैं। पहला जो है अपना सिलीगुड़ी है, ठीक है, उसके बाद जो है मैंने बताया श्रीनगर, उसके बाद जो है आप रांची, है ना। ये तीन जोन जो है आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, इन तीन जोन में जो है आप अपने आप को भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये मेरा मानना है, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो आप भर दोगे, अब आगे चल के बोलोगे कि आप ही ने बोला था, ऐसा नहीं है। कट ऑफ देखो इस बार हर एक जगह का हाई रहने वाला है, रीजन ये है कि वैकेंसीज कम है, बच्चे ज्यादा है। तो कट ऑफ ये मत सोचिएगा कि कहीं 30 निकल जाए कहीं 40 निकल जाए, नहीं जाएगा। कट ऑफ हमेशा जो जाएगा वो 50-60 के ऊपर ही रहेगा। तो उस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं है कि मैंने श्रीनगर का बता दिया तो श्रीनगर में 30 पे कट ऑफ निकालेगा, बोलेगा भैया आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। वैकेंसीज है 5,996, तो उसी वैकेंसीज में आप लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज कम है। फॉर्म आपको मैंने बता दिया कि 40 से 50 लाख स्टूडेंट भरेंगे, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप किसी भी जोन में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तैयारी बेहतर नहीं है तो थोड़ा सोच समझ के जो है जोन का सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि जोन का अगर आप सिलेक्शन अच्छे से कर देंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।